पाइवट टेबल का यूज डेटा को एनालाइज समराइज करने के लिए किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि पाइवट बनाएंगे कैसे? आपने वैसे पहले कभी पाइवट बनाई है? हाँ जी, यूज़ करी हुई है, लेकिन नॉर्मली यूज़ करी है, बेसिक बनाना और कुछ जैसे कॉलम्स रोज में कुछ कुछ फंक्शन करना, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अच्छा, हाँ तो इसमें तो तो मैं तो ऑल्ट एनवी हाँ टी से डालती थी पाइवट टेबल सिलेक्ट वो करके। कोई दिक्कत नहीं, वो उसके हजारों मेथड हैं डालने के। तो इसमें पहले मैंने एक सैंपल डेटा लिया है, ठीक है जी, जिसमें मेरे पास डेट है, नेम है, सिटी है, क्वांटिटी, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, और सेल्स है, डे वाइज सेल्स है 7 दिन की। तो ये एक सैंपल डेटा मैंने लिया है। तो सबसे पहले पाइवट टेबल को लगाने के लिए आपको या तो डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर आपका डेटा ठीक से बना हुआ है, यानी कि कैसे पता पड़ेगा, कंट्रोल ए दबाएंगे तो अगर आपका फुल डेटा सिलेक्ट हो जाता है तो मतलब आपका डेटा सही है, ठीक फॉर्म में है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पहले से आपका डेटा सिलेक्टेड आ जाएगा। अगर डेटा सिलेक्शन में कुछ कमी है तो वो यहाँ से क्लिक करके वापस उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेन आपके में तो सॉरी एक सेकेंड, मेन ये होता है ना कि कॉलम का हेडर होना चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आया। हाँ, वो तो है ही, विदाउट हेडर के तो लेगा नहीं, विदाउट हेडर के लेगा नहीं, क्योंकि हेडिंग के बेस पे काम करता है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में डालना चाहती हैं तो यहाँ पे आपको लिंक देना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने डालनी है, और न्यू में डालना चाहती हैं तो न्यू में डाल सकती हैं यहाँ से, ठीक है जी। ओके, अब इसमें जितने भी हेडिंग्स हैं आपके वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, ठीक है जी। इस पेन में, इसमें एक होता है आपका रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यूज। अब जैसी आपको रिपोर्ट बनानी है, सपोज आपको बनानी है एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट कि किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, मतलब प्रायोरिटी आपकी एम्प्लॉय है, टाइटल एम्प्लॉय बैठ जाता है, तो उसको हम ज्यादातर रो में ले जाते हैं, ठीक है जी। क्लिक करते ही आपका डाटा वैसे कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा रो में, अगर नहीं आता है तो इस पे हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन कि रो में आपने ऐड करना है, रिपोर्ट फिल्टर में, कॉलम में कि वैल्यू फील्ड में, तो रो में ऐड कर दिया हमने। दूसरा जो सेकंड प्रायोरिटी होती है, कि अगर मैं इसको चाहूं देन सिटी वाइज, नेम के बाद सिटी, सिटी पे मैंने क्लिक किया, सिटी इसके नीचे आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई एम्प्लॉय की, देन उसके बाद हर एक एम्प्लॉय की उसकी सिटी आ गई। उसके बाद जो होता है हमारा, जैसे मैंने सेल्स ले ली, कि एक सेल्स ले ली, सेल्स वन, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू फील्ड में चली गई। तो इसमें अभी मुझे दिखा रहा है कि इसकी हर एक एम्प्लॉय की टोटल सेल कितनी है, उसकी सिटी वाइज और कितनी सिटी सेल वाइज। है जी। अगर आपको सिटी वाइज चाहिए, जैसे मतलब रीजनल हेड्स को भेजनी है सिटी वाइज, तो यहाँ से सिटी को पकड़ के ऊपर कर दीजिए, ठीक ठीक है। है जी। तो हर एक सिटी की टोटल आ गई और सिटी के अंदर हर एक ने कितनी सेल की है वो आ गया, ठीक है जी। तो एक क्राइटेरिया तो ये है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार आपके पास कॉलम कब यूज करते हैं, कि जब हमें थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, अभी एक फ्लो में चलती जा रही है, अगर हमारे पास जगह है राइट में, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये नेम का डाटा मेरे पास ज्यादा होता कि कॉलम उसमें नहीं आ पा रहा है, तब मैं ये फॉर्मेट यूज करता। अदरवाइज स्टैंडर्ड में क्या करना है, मुझे कॉलम में डालना है, ठीक है जी। सेकेंड प्रायोरिटी जो होगी वो मैं कॉलम में डाल दूंगा, ठीक है जी। इस तरह से, तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि मेरा सिटी वाइज डेटा बन चुका है, सिटी वाइज, और उसमें हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है जी। देन एक हम अगर पुराने फॉर्मेट में आते हैं कि इस तरह से था, एक और फॉर्मेट यूज करते थे हम, क्लासिक पाइवट टेबल वाला। तो क्लासिक पाइवट टेबल जैसे 2003 में बना करती थी, इसमें क्या है कि आपका मान लीजिए डाटा आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सिटी का है, कौन सा नेम के लिए लिया गया, हाँ, तो उसको मतलब एक सेपरेट कॉलम में होना चाहिए उसके लिए। हाँ, तो सेपरेट कॉलम में होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास या तो राइट क्लिक करके आप ऑप्शन में यहाँ से पाइवट टेबल
ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाइए। अदरवाइज जी आपका जैसे पाइवट टेबल पे सिलेक्शन होता है तो आपके पाइवट टेबल टूल्स के नाम से ये दो खुल जाते हैं, ऑप्शन और डिजाइन। ठीक है जी, तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन और होता है आपका सेम चीज। ठीक है जी, तो उसमें हम क्लासिक पाइवट टेबल की बात कर रहे थे जो कि होता है डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे क्लासिक पाइवट टेबल। इसमें क्या होगा कि ये आपका अलग हो जाएगा इससे, अब आपके लिए थोड़ा सा आसान है। डिजाइन में भी आता है ना, डिजाइन में भी आते हैं, डिजाइन में लेआउट में मेरे ख्याल से मैं वहां से यूज करती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं आपको सारी ऑप्शन बताऊंगा, एक भी उसमें छूटा नहीं जाएगा। ठीक है जी, ओके तो इस तरह से दूसरा क्या होता है कि अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं तो क्या होगा, जो सिटी होगी मेरी वो चली जाएगी। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट किया तो मैं एक देख रहा हूं कि ये जो ब्लैक इसमें जो डेटा फॉर्म है, अगर मैं उसे वापस फिर से इसी रिपोर्ट को पाइवट में यूज करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक सेल्स है। ठीक है जी, और दूसरी प्रॉब्लम है ये टोटल नहीं होना चाहिए था मेरे पास। तो अगर मुझे कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि मैं एक पाइवट से डेटा कॉपी करके फिर उस पे दोबारा से पाइवट लगाता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मान लीजिए ये टोटल हटाने मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसमें करके राइट क्लिक करके पाइवट ये सब टोटल सिटी का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हटा दीजिए। वो हटा दो। हाँ ये हटा दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका क्या करें ब्लैंक स्पेसेस का, तो इसके लिए कई बार हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम क्या यूज करते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट में ही पहला है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेटा मर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको मर्ज की तरह यूज कर सकती हैं। आप कॉपी पेस्ट करने में अगर आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो मतलब अपना इंडियन कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं होती है इस फॉर्मेट लेकिन में। इसमें फिर भी काम नहीं हो पाएगा ना, जैसे एनालिसिस करना हो कुछ, उसके लिए तो हर एक अलग रो में चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या कीजिए, अब इसको वापस चाहते हैं इससे इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, अब ये मेरा पुरानी फॉर्मेट में आ गया है। अब मैंने क्या करना था, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे ग्रैंड टोटल भी नहीं चाहिए फिर फिलहाल। ठीक है जी, ग्रैंड टोटल हटाने के लिए मैं डिजाइन को इंट्रोड्यूस करता हूँ। डिजाइन टेबल में आपके सारी चीजें हैं, सब टोटल हटाने के लिए यहाँ डू नॉट शो सब टोटल, शो ऑल सब टोटल, शो ऑल सब टोटल, टॉप ऑफ द ग्रुप। टॉप ऑफ द ग्रुप करूंगा तो जो है वो ऊपर में दिखाएगा। ठीक है जी, अब डिजाइन में जाके मैं ग्रैंड टोटल को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम। ग्रैंड टोटल दो तरह के होते हैं, सपोज मैंने इधर अगर इसको नेम को इधर कर दिया होता तो इसमें यहाँ भी ग्रैंड टोटल आ रहा है और यहाँ भी ग्रैंड टोटल आ रहा है, तो इन दोनों फॉर्मेट को मैं अपने जरूरत के मुताबिक ऑफ कर सकता हूँ, ऑफ फॉर रो ओनली, ऑफ फॉर ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, इकट्ठे दोनों को कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब वापस पुराने फॉर्मेट में आते हैं। अब इसमें काफी हद तक सुधर गया है। ये जो प्लस माइनस के आपको बटन दिख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस के, इनको डील करने के लिए डिजाइन में ये ऑप्शन में ही आपके पास एक्सपेंड एंटायर फील्ड है, कोलैप्स एंटायर फील्ड है। ठीक है जी, तो कॉपी पेस्ट करते वक्त इनका यूज किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने कोलैप्स कर दिया तो कॉपी पेस्ट इसको मैं करूंगा तो ये डेटा पीछे का डेटा नहीं आएगा, एक चीज ये। और दूसरा, अगर प्लस के साइन नहीं दिखाना चाहती है तो यहाँ पे आपके तीन बटन होते हैं ऑप्शन में, एक फील्ड लिस्ट है, ये जो फील्ड लिस्ट आ रही है इसको ऑन ऑफ कर सकती है बटन, इसको ऑन ऑफ, और फील्ड हेडर इसको ऑन ऑफ। फील्ड जो लिस्ट, एक सेकंड, फील्ड लिस्ट किसके लिए होता है? फील्ड लिस्ट ये जो साइड में पैनल आ रहा है पाइवट टेबल का, ये देखिए। ओके 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 ठीक है ठीक है ओके। जी, कभी आपका हाँ डिसेबल हो जाए तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दूसरा ये प्लस माइनस के बटन के लिए, ये है शो हाइड के लिए। ठीक है जी, नहीं दिखाना। फील्ड हेडर्स होते हैं आपकी हेडिंग्स, ये जो सिटी नेम आ रहा है ना ये हेडिंग्स, तो पाइवट टेबल ने अपने आप जनरेट करी है, इनकी हेडिंग नहीं जाएगी, जो वैसे हेडिंग है हमारी वो जाएगी। अब हम आते हैं उस पर कि आपने कहा कि इसमें हर एक को वो करना है, वैसे करना है, क्या नाम है, फिल करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल कॉपी कर लेता हूँ,
और पेस्ट कर देता हूँ कहीं, ठीक है जी। अब मैंने पेस्ट कर दिया, तो इसके अंदर देखिए दो तीन मेथड है जिसके थ्रू हम ये अपना काम कर सकते हैं। एक मेथड है कि आप, देखो एक आता है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपसे मेरे को बाकी दोनों बता देना। मैं जो मेथड यूज करती थी वो ये था कि फिल्टर लगा के फिर हाँ ब्लैंक्स को इज इक्वल टू ऊपर वाला करके फिर पूरा नीचे पेस्ट स्पेशल, मतलब सिर्फ उसके लिए, सिर्फ करेक्ट विजिबल सेल्स के लिए पेस्ट करके करेक्ट फिर करेक्ट। फिल्टर हटा। मैं तो मैं ये वाला यूज करती थी। और कोई मेथड है इसके लिए बेटर मेथड? हाँ वैसे भी है, आप जिस ऑप्शन की बात कर रही हैं वो ये है कि ब्लैंक सिलेक्ट किया मैंने इक्वल टू यहाँ पे डाल के, और मैं ये जैसे फोर है तो जी फोर कर दिया मैंने, ये हाँ जी कॉलम है, हाँ जी। अभी इसको ड्रैग कर दिया। इसको हाँ ड्रैग नहीं फोर में करती थी मतलब, फाइव फाइव क्योंकि फाइव हाँ इसको ड्रैग। ड्रैग नहीं करते थे, इसको विजिबल सेल्स ओनली में पेस्ट स्पेशल करती थी मैं, क्योंकि ड्रैग करने में ये थोड़ा डर लगता है कि वो कहीं बाकी वैल्यूज भी साथ में नहीं कॉपी पेस्ट कर दें। वो ड्रैग ड्रैग आप इस केस में कर सकती हैं फिल्टर में, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सिंगल सेल को आप ड्रैग कर सकती हैं, पर डबल ट्रिपल सेल हो उसको जब ड्रैग करना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंगल में करेंगी तो आपका सही आ जाएगा, और पेस्ट एज वैल्यूज में बदल दीजिए फॉर्मूला हटाने के लिए। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा हम लोग यूज करते हैं जो जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड है सेल, अब इसमें गो टू स्पेशल में विजिबल सेल्स ओनली, अब मतलब पहले सिलेक्ट कर लूँ इसको पूरा। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक ही जगह अलग शीट में यूज कर रहे होते हैं तो वैसे भी सिलेक्ट हो जाएगा, पर इसमें से अगर आपको करना है तो गो टू स्पेशल मतलब सिलेक्ट करके फिर ब्लैंक्स, अच्छा ब्लैंक्स, तो ये आपके ब्लैंक सिलेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब ब्लैंक्स में क्या करना है आपने, इक्वल टू ऊपर वाला मेथड वही है कंट्रोल एंटर, ठीक है जी, इसमें फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती आपको, मेथड सेम है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये जो अपनी फॉर्मेटिंग है इसको कर सकती हैं। बाकी आगे चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं, जैसे एक्सपैंड और कोलैप्स का है, इनको देखते हैं। जैसे एक्सपैंड कोलैप्स में अब मैं कह रहा था मेरे पास एक चीज है यहाँ पे डेट, ठीक है जी, और डेट को मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ, नेम को बगल में ले जाता हूँ, या नेम को रहने दीजिए, नेम को भी। अब मुझे यहां से पहले तो इसमें से सब टोटल डेट का हटा देता हूं, अब मेरे पास एक डेट है और उसके उसमें सेल हुई है कोई, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए मंथ वाइज रिपोर्ट, ठीक है जी। अब मेरे पास डेट है, मंथ के लिए क्या करेंगे, आई गेस या तो फिल्टर लगाकर फिर कर सकते हैं, या फिर मंथ इसमें हटा देते हैं, कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं इज इक्वल टू मंथ या कुछ ऐसे। मंथ वाइज मुझे दिखना चाहिए ना कि इसमें ये मंथ का, फिल्टर तो कर सकते हैं, फिल्टर एक ही वैल्यू के लिए होता है। हाँ तो अब तो अब यहां पे दिखाता हूं मैं नहीं, ग्रुप, रिपोर्ट फिल्टर लगाकर फिर मंथ वाइज नहीं कर सकते? अब रिपोर्ट में डाल दीजिए डेट को, कैसे करेंगे। एक सेकेंड। अच्छा फिर जान के सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। पता नहीं, मेरे ख्याल से या तो इज इक्वल टू मंथ डाल के कर सकते हैं कि सबका नहीं मंथ आ जाए अलग से, उसके बाद उसका फिल्टर। नहीं अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप का टैब है एक, ठीक है जी, ग्रुप का है, तो ग्रुप फील्ड में आ जाइए, जहाँ पे भी, पर इसकी शर्त ये है डेट आपकी डेट के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें ग्रुप फील्ड में करेंगी तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे लास्ट स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ले लेगा अपने आप। दूसरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको डेटा कैसे चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन भी होता है, और मुझे मैंने कहा था मंथ वाइज चाहिए तो मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है जी। जैसे ही मैंने ओके किया क्या हुआ, मंथ में कन्वर्ट हो गया और आपकी रिपोर्ट भी ये मंथ मैंने कभी वाइज। यूज नहीं किया। हाँ इसीलिए बता रहा हूँ, मंथ में आपने कर दिया, बट इस मंथ में एक प्रॉब्लम है आपके साथ,
क्या प्रॉब्लम है कि ये जो मंथ है आपका वो केवल मंथ है, यानी कि उसमें सारे ईयर है, जनवरी 2010 का हो या 2012 का, वो जनवरी में ही है। तो हमें ईयर वाइज भी चाहिए। तो ग्रुप फील्ड में जैसा कि मैंने बताया मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, तो आप इस ईयर भी सिलेक्ट कर लीजिए साथ में, तो आपकी ईयर की अलग फील्ड बन के आ जाएगी, डेट की अलग आएगी। ये प्लस माइनस के बटन मैं ऑन कर लेता हूँ तो आसानी होगी इसमें। अब मुझे ईयर वाइज रिपोर्ट देनी है, देखनी है, मैं यहाँ करके कोलैप्स कर देता हूँ इसको, तो ईयर वाइज रिपोर्ट आ गई। एक्सपैंड किया मंथ, किसी ईयर की मंथ में देखना है तो इसको कोलैप्स कर देता हूँ, ये आ गए। ठीक है जी, तो ये आपके मतलब फंडे हैं जिसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ जनवरी, नॉट ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, नेम को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ईयर हो मंथ ऊपर आ जाए, वो एक ही चीज में हो सकता है। तो यहाँ पे डेट और सिटी, ये ईयर डेट दिख रहा है ना, तो डेट वाला जो मंथ बन चुका है इसको मैं कॉलम में कर देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये बढ़िया फॉर्मेट है। ठीक एक है, सेकेंड, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। तो 2010 आपका इधर आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पे वो जनरेशन हो जाता है, जो भी हम ग्रुपिंग करते हैं यहाँ जनरेशन हो जाता है उसका, उस फील्ड का। ठीक है, ये दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, यहाँ इस डेट को यहाँ पुट करता हूँ और जो ईयर्स है उसको उधर ले जाता हूँ, ईयर इधर ले जाता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी, एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, क्योंकि एक्सपेंड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ईयर फ्रिक्वेंट आ गए, कौन सी सिटी में कौन सी सेल हुई है, कौन से मंथ में, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो रहे डेट से हम कैसे खेलते हैं। ठीक है जी, अब आपको ग्रुपिंग हटानी है तो यहां से आके अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है जी, अनग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप हो जाएगा। तो वापस उसमें आ गया। हाँ, वापस उसमें आ गया डेट की फॉर्म में। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऐसा ही हम कर सकते हैं अपना। अब हमारे पास सेल्स तो थी, क्वांटिटी भी थी, क्वांटिटी को मैं ले आता हूँ। अब क्वांटिटी में मैं क्या करता हूँ, कॉलम में चला जाता हूँ, ऊपर कॉलम में मैंने डाल दी। अब मुझे ये चाहिए कि ग्रुप बनाने, अब ये नंबर्स के, कि क्वांटिटी मेरी कुछ भी है, 10-10 के ग्रुप में बन जाए, दस से टेन टू ट्वेंटी कि के बीच में हो या हाँ फिर हाँ ऐसे। हाँ तो ये वापस यही ऑप्शन यूज कर सकते हैं ग्रुप फील्ड का। ठीक है जी, स्टार्टिंग और एंडिंग अपने आप आ जाती है इसमें। ग्रुप कितने का चाहिए, 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, तो फिलहाल मैं 20-20 के बना लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया आपका 70 से 29 ये तो बड़ा फील्ड। अच्छा ऑप्शन है, इसमें तो इफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना ना कुछ नहीं, असली पाइवट टेबल यही है। ठीक है जी, नहीं, क्योंकि जनरली ऐसे केसेस में हम इफ फंक्शन से ही देखते थे, तो उसमें बहुत लंबा इफ लगता था उसमें। हाँ वो इसी के लिए है, प्री डिफाइंड आपको डेटा मिल जाता है, अपना काम भी हो जाता है इससे। ठीक है जी, इसीलिए तो इसे पाइवट टेबल, पाइवट रिपोर्ट्स कहते हैं। रिपोर्ट्स में तो अगर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो फिर रिपोर्ट किस काम की। ठीक है जी, तो ये तो रहा, हमने मतलब इनकी भी ग्रुपिंग कर दी, अनग्रुप कर देता हूँ, वापस हटा देता हूँ क्वांटिटी को। ठीक है जी, अब मेरे पास एक क्वेरी है कि मुझे हर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस भेजनी है, हर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस भेजनी है, कैसे करूंगा। हर एक एम्प्लॉय को मुझे ना मतलब मतलब ये भेजनी है सिर्फ नेम, कि किस किस सिटी में आपकी कितनी कितनी सेल है, सबसे फास्टेस्ट तो वे क्या नेम है। ऊपर कर देते हैं, सिटी नीचे कर देते हैं। मतलब अगर आपको ये टास्क मिलता, मैं ये कहता कि हर एक एम्प्लॉय को उसकी आप मेल कर दीजिए, तो क्या करती। फिर एक जो जिसके तो मैं नेम अंदर ऊपर कर देती, इस तरह से, सिटी नीचे, हाँ जैसे आपने अभी किया है। हाँ इसको करके आप फिर क्या करती, कॉपी करके पेस्ट, यही ऑप्शन होता। हाँ
और फिर मैं कहता हूँ हाँ उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक सिटी में कोई हेड बैठा हुआ है, उस सिटी के हेड को आप उस सिटी की डिटेल भेज दीजिए, मतलब उस सिटी में एम्प्लॉयज ने कितनी कितनी सेल की। तो उस केस में क्या फिर तो करें, एक और प्राइवेट टेबल बनाती है। फिर आपको ऐसे करके कॉपी पेस्ट करना पड़ता हाँ है जी। तो इसके फास्टेस्ट हाँ ऑप्शन जी आपको दिखाता हूं मैं। अब मुझे, मैंने कहा कि मुझे नेम वाइज चाहिए, मैं क्या 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 किया, यहां पे लगा दिया मैंने, रिपोर्ट फिल्टर में नेम ले लिया। अब यहां देखिए शीट 5 है, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने हर पर्सन के हिसाब से आप कॉपी कर नहीं लेंगे। नहीं कॉपी करना हो तो फिर आपके तरीके में क्या बुराई है। अब देखिए, अब इसमें मुझे रिपोर्ट जनरेशन करनी है हर एक एम्प्लॉय को, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्राइवेट टॉवल में ऑप्शन है ना, ये वाला, यहाँ क्लिक कीजिए, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है जी। जो भी रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में होगा यहाँ आ जाएगा, नेम आया, ओके। अब नीचे देखिए वापस शीट्स पे क्या हुआ है। ओ, आपकी नेम वाइज सारी शीट्स अपने आप बन गई। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। शीट 5 वैसा का वैसा रहेगा, बाकी नेम वाइज बन गई। तो ये सेपरेट शीट को मैं एक झटके में मेल कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को सिटी वाइज भेजनी है, सिटी मैंने ऊपर कर दिया, नेम नीचे कर दीजिए, फिर वही कर दीजिए अपना, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस सिटी, ओके। नीचे देखिए हर एक सिटी की बन चुकी है, ठीक है जी। तो ये इस कुछ स्मार्ट ऑप्शन है जो हम पाइवट टेबल में यूज करते हैं, हाँ जी। जो वर्क को हमारे बहुत ही फास्ट बना देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है जी। पाइवट अपनी वहीं की वहीं रहेगी, आप जो भी खेल करें उनके साथ। पर एक ठीक एक प्रॉब्लम और भी रहती है उसमें। अब आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की दिक्कत पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाइवट टेबल डायरेक्टली तो आप किसी को भेजने से रहे हैं जी। तो अब क्या करता हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा इसको, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ कि अगले को पढ़ने में भी मजा आए। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, वही शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस करूंगा सिटी वाइज, ये मैंने कर दी, सारी जनरेट हो गई, सब कुछ ठीक है। बस मुझे ये है कि पाइवेट जाएगी तो वहां दिक्कत करेगी, क्योंकि पाइवेट की लिस्ट किसी के पास भी जाएगी तो उसने किसी पे भी यहां से फिल्टर चेंज कर सकता है, डाटा तो रहेगा, और एनक्रिप्टेड डाटा भेजना है। तो इस केस में हम पेस्ट एज स्पेशल करके करते रहे तो फिर टाइम बीत जाएगा, फिर उस जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहां से ना आप इसको कीजिए, शिफ्ट दबा के सारी शीट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। देन कंट्रोल ए दबा के, कंट्रोल सी, और पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज वाला वही सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका काम हो गया, सारी पाइवट हट गई, ठीक है जी, हर जगह से। ओ ओके, तो सारी शीट्स में इकट्ठे चेंज आ हाँ गया वही। हाँ इकट्ठे चेंज आ गया। अब मुझे जैसे करना है कि यहाँ नेम लिखे होने की कोई जरूरत नहीं, खाली नेम और टोटल ही जाना चाहिए। तो हर तीन, ये तीन ऊपर से कॉमन है सबकी, तो यहां से मैंने डिलीट कर दी। तो मतलब ऊपर मैं थोड़े से बहुत चेंजेस और कर शीट सकता में हूँ, सिलेक्ट किया और सारी डिलीट कर दी। हाँ, तो वो क्या हो गया, सब में से डिलीट हो गया, ठीक है जी। ओके, और तो फिर इसमें, बॉर्डर बॉर्डर भी आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं सबके इकट्ठे। हाँ, बॉर्डर बॉर्डर में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक का डेटा सेम नहीं होगा ना, किसी का ऊपर होगा किसी का नीचे होगा। तो उसके लिए क्या चीज होती है अपना, कि आप पहले ही इसको बॉर्डर दे दें। यहाँ पे अगर मेन पाइवट में अगर आप बॉर्डर दे देती हैं तो आगे तक बॉर्डर आएंगे, ठीक है जी। अगर इसमें बॉर्डर नहीं आएंगे तो कहीं नहीं आएंगे, ठीक है जी। एक बार ट्राई करते हैं फिर से, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ओके, ये सब में बॉर्डर आ गए, ठीक है जी। तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सामने बॉर्डर आ गया। हाँ, तो बस इसको यहां से ये करके मैंने पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया, ऊपर से ये सारे हटा दिए, ठीक है जी, हो गया काम अपना। यही भेजनी है अब मुझे सबको, ठीक है जी। ऊपर कोई हेडिंग वेडिंग जोड़नी है या रिपोर्ट फॉर नाम लिखना है, वो भी मैं कर सकता हूँ एक साथ ही सबके, ठीक है जी। बिल्कुल। जैसे यहां से एक बाकी तो साथ इजी है, ग्रिड लाइंस वगैरह हटानी है तो सबकी इकट्ठे हट सकते हैं। सबकी इकट्ठे हट सकती हैं,
यहाँ पे कुछ भी टाइप हो जाए, बस ये हम नीचे नहीं कर सकते क्योंकि नीचे ना डेटा का भरोसा नहीं होता कि कितना जाएगा। ऊपर ऊपर की फॉर्मेटिंग में आप टाइम बचा सकती हैं अपना, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरी जो रिपोर्ट है वो सब में एक जैसी है, ठीक है जी। तो जितना मैक्सिमम होता है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो कुछ चीटें थी, पर जब बात करें कि जहाँ बहुत ही ज्यादा है वहां ये ऑप्शन आपके बहुत काम आ सकता है, बहुत ही ज्यादा। इससे ऊपर कस्टमाइजेशन चाहती हैं तो फिर वो मैक्रो में होता है, ठीक है जी। नहीं, ये इसके लिए भी यूजफुल है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ डेटा एनालिसिस करना है और फिर हर मंथ पे अलग एनालिसिस करना है, तो आप सारी शीट्स अलग कर दीजिए, फिर हाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, फिर उन शीट्स पे कर सकते हैं आराम से, इंस्टेड ऑफ की फिल्टर लगाओ फिर एक एक करके पेस्ट करो। हाँ सही बात है। तो इसमें आपका पाइवट टेबल में एक तो हो गया ये ऑप्शन, बाकी कुछ जनरल ऑप्शन देख लेते हैं इसके कि करते क्या क्या कर सकते हैं हम उनसे। एक तो मैंने बताया कि आपको कोलैप्स का, एक ग्रुप अनग्रुप का, ग्रुपिंग में एक और चीज होती है अपना, आप खाली यही नहीं ग्रुपिंग, टेक्स्ट में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तीन बंदे मेरी एक किसी टीम में है, किसी एक ग्रुप में है, हाँ जी। तो ग्रुप सिलेक्शन करेंगे तो इनका एक अलग से ग्रुप बन के आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका अलग से टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। ओके ठीक है जी, कितने भी आप साथ में ग्रुप बना सकते हैं, ठीक। अच्छा ओके तो इन इनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, अनग्रुप कर दीजिए यहाँ पे जाके, जितने ग्रुप में अनग्रुप, ठीक है जी। तो टेक्स्ट के साथ भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है, ठीक है जी। अब जो मेरे पास बाकी सेल्स है मैं उनको उठाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास बाकी सेल्स है, अब मैं चाहता हूँ कि इन सब का ना टोटल आ जाए इकट्ठे। अब इन सब का टोटल कैसे आएगा, 7 दिन का टोटल मेरे को यहाँ दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा। पाई फॉर्मूला शायद। हाँ, अगर मैं ग्रैंड टोटल अगर इनके ऑन भी कर दूं तो भी उससे कोई बात नहीं बनने वाली है, ठीक है जी। ग्रैंड डेटा, क्योंकि ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अपने आप दिखाता, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मतलब सेल्स हमारे डेटा में एक ही जगह पड़ी होती और इसके सामने कैटेगराइजेशन होता कि सेल्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं कर सकता था। बट अब इस केस में हम क्या यूज करेंगे, अपने पास और ऑप्शन होते हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज, ठीक है जी। तो फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम्स। कैलकुलेटेड आइटम कौन से होते हैं, जैसे हमने ग्रुपिंग की थी तो वो कैलकुलेटेड आइटम काम आते हैं, ठीक है जी, वो सेम चीज करने के लिए। और यहाँ क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड, जिनका आपको टोटल चाहिए वो कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड में क्या पढ़ते हैं, हमारे फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो भी आप फील्ड ऐड करेंगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपके इस सेक्शन में। तो हमारे को ऐड करना है जो है वो टोटल है, ठीक है जी। टोटल में यहाँ मुझे फॉर्मूला देना है, तो इक्वल टू तो वही रहेगा बस, ये यहाँ से इंसर्ट फील्ड प्लस, देन ये इंसर्ट फील्ड प्लस, ये इंसर्ट फील्ड प्लस, तो इस तरह से हमारा सारा फॉर्मूला जो है वो इस तरह से पड़ जाएगा, प्लस सेल्स 6 प्लस और ये लास्ट वन सेल्स 7। तो एक फॉर्मूला बना दिया मैंने, ओके किया, तो यहाँ पे एक टोटल की फील्ड आ गई। तो बाकी सबको ऑफ कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास टोटल आ चुका है, ठीक है जी। अदरवाइज इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाके एक और फील्ड ऐड करनी पड़ती टोटल के नाम से और सबका सम देना पड़ता, ठीक है जी। तो कुछ काम हमारे कैलकुलेटेड फील्ड के जरिए भी हो जाते हैं। अब जैसे क्वांटिटी सेल्स से अमाउंट निकालना है, ठीक है जी। इसको क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटेड फील्ड में वापस जाता हूँ, यहाँ से जो मैंने फील्ड ऐड करी थी टोटल, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसमें एक नई फील्ड ऐड करता हूँ टोटल,
अमाउंट कर देता हूँ जिसमें मैं कोई किसी किसी एक दिन के सेल को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी कर सकता हूँ मैं, क्वांटिटी इंसर्ट मल्टीप्लाई सेल्स वन इंसर्ट ऐड ओके, तो यहाँ से ये मेरा अमाउंट आ गया, यहाँ पे नीचे अमाउंट आ रखा है ना, तो अमाउंट आ गया। ये तो लेकिन आपने सिर्फ सेल्स वन से किया ना, हमें आइडियली हर एक सेल से करना पड़ेगा शायद क्वांटिटी को मल्टीप्लाई अमेज़न। नहीं नहीं वो एक्चुअली ऐसा है ना, सेल्स वन ये डे वाइज है तो डे वाइज क्वांटिटी भी तो चाहिए, ये तो मैंने सैंपल करके दिखाया है, अच्छा मतलब ओके ये हाँ तो, ठीक है ठीक है ओके समझ हाँ गया। ये कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही दिखाया आपको, तो अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, वापस इसी फॉर्मूला में जाके कैलकुलेटेड फील्ड में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन डिलीट करना पड़ेगा, तो ही आपका जाएगा यहाँ से, अदरवाइज लोग लगा देते हैं, हटाना कैसे नहीं पता। ठीक है जी, हाँ वापस यहाँ पे सेल्स को ले आता हूँ किसी को, देन कैलकुलेटेड फील्ड कैलकुलेटेड आइटम्स, कैलकुलेटेड आइटम तभी आपका दिखेगा, चलिए एक कैलकुलेटेड फील्ड भी रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास जरूरत पड़ेगी उसकी आगे, अगले वाले ऑप्शन में अपने अमाउंट और क्वांटिटी मल्टीप्लाइड सेल्स इंसर्ट ओके, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, अमाउंट अभी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी, हाँ अब जैसे मैंने बताया कि इन तीनों की टीम में कोई एक नया बंदा आ जाता है, ठीक है, कोई टीम लीडर बिठा दिया जाता है जिसका नाम है राज किशोर मान लीजिए, तो अब हम फॉर्मूला में जाके कैलकुलेटेड आइटम को यूज करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके सामने जो भी आप फील्ड सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, कई बार आपको सिटीज जोड़नी हो, कोई नया ही रीजन बना दिया एनसीआर के नाम से, तो एनसीआर की सेल कितनी है, तो सिटी में तीनों को जोड़ सकते हैं, तो नेम में जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम ये शिवा विजय और विश्वा तीन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है जी, इसका नाम होगा हमारा राजकिशोर। ठीक है जी, और यहाँ पे वैसे ही फॉर्मूला तो फॉर्मूले की तरह ही पड़ेगा, शिवा प्लस विजय प्लस विश्वा, ये आ गया ओके, तो राजकिशोर की सेल आ गई आपके सामने, बट ओके इसमें, तो गलत है। हाँ बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि राजकिशोर की सेल फॉर्मूला सेल जो है फॉर्मूला से कैलकुलेटेड होके आ रही है, पर ये इफेक्ट करेगी अपने ग्रैंड टोटल को, तो अगर कभी भी इस तरह का ऑप्शन यूज कर रही है तो बाकियों को ऑफ कर दें, विजय विश्वा राजकिशोर, अगर आपको टोटल से लेना देना, राजकिशोर गलत ऑफ हो गया, शिवा राजकिशोर रहने देते हैं, तो ये आपको एक्चुअल टोटल अब दिखाएगा। ठीक जी, सबको वापस सिलेक्ट कर लेता हूं और इसमें अपने और ऑप्शन को देखते हैं, देखते हैं डिलीट कहां से होता है, यहां क्लिक, इधर क्लिक करना पड़ेगा तभी आपका ऑप्शन होगा, डिलीट भी इसी तरीके से होगा, जो भी होगा आपको दिखा देगा, डिलीट यहां से कर सकती है। ठीक है जी, देन है सॉल्व ऑर्डर, इस पे क्लिक करेंगी तो क्या होगा, आपका जो है कैलकुलेटेड आइटम के जो फॉर्मूले हैं वो आपको दिखा देगा। ठीक है जी, इस पे करके डिलीट यहां से भी कर सकती है। ठीक है जी, देन आपका लिस्ट फॉर्मूला, आपने कितने फॉर्मूले पाइवट में लगाए हैं, कि चाहे वो कैलकुलेटेड फील्ड में हो चाहे कैलकुलेटेड आइटम में हो, ये दोनों आपको यहाँ पे एक नई शीट में आपको करके दिखा देगा। ठीक है जी, कि ये आपकी फील्ड है में ये फॉर्मूला है। तो हेल्पफुल है अगर एनालिसिस किया हो कोई किसी को दिखाने हो सारे फॉर्मूला तो हाँ, उसके आराम से लिए, देख सकते हैं। या आपने भी चेक करने हो कोई कॉम्प्लिकेटेड पाइवट आपके हाथ पड़ गई तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से उसको खोलना है, क्या क्या देख सकते हैं, क्या सीक्रेट है उसके अंदर, तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो अपना सॉल्व ऑर्डर, बाकी सॉर्टिंग के लिए यहां से आप राइट क्लिक इस पे करके जिस पे भी क्लिक करेंगे उसको इस हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, Z2A A to Z, छोटा
छोटा वाला ऊपर ऊपर वाला। और बाकी आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल मूविंग का जो होता है ना अपना, चार खाने से बने आ जाते हैं प्लस का ये, तो ऐसे भी ऊपर नीचे हाथ से भी सेट कर सकती। ठीक है, ये क्या हुआ, आप सिर्फ ऊपर आ गया एक जो हमने सिलेक्ट किया। हाँ जैसे राजकिशोर को मैं सबसे ऊपर रख दूँ, सबसे ऊपर आ गया ओके बाकी नीचे आ गए, तो हाथ से भी इसकी सेटिंग की जा सकती है। आप एक को ही ड्रैग करेंगे बाकी आगे वाली वैल्यूज अपने आप बदलती चली जाएंगी, उसके उसके हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है जी, बाकी ओके ठीक है जी। अब बाकी आपको चार्ट चाहिए इसके साथ में, तो पाइवट चार्ट है, जो भी आपकी टेबल बनी हुई है उस पर जो भी चार्ट चाहिए पाइवट चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, वही सेम आपके डेटा का चार्ट बना के दे देगा, जैसे जैसे इसमें चेंजेस होते रहेंगे वैसे वैसे इसमें आपका चार्ट भी चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, जैसे सिटी को मैं यहाँ ले आया तो ये उस हिसाब से कर देगा आपका चेंजेस, पर चार्ट डाटा जिस हिसाब से होगा चार्ट भी उसी हिसाब से दिखाएगा। तो इसके लिए पाइवट टेबल चार्ट का तो इतना खास यूज नहीं है, बट आपका डैशबोर्ड में कभी कभार यूज हो जाए हो जाए। जैसे हम चार्टिंग के लिए डायनेमिक चार्ट्स यूज करते हैं, इनको यूज नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती इनकी, हम हाथ से ही इस तरह की रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो एक तरीका हमारा ये हो गया अब पाइवट्स का। तो अब क्या करते हैं, बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। बाकी ऑप्शंस में जैसे आपको नंबर फॉर्मेटिंग इनकी चेंज करने हैं, नंबर फॉर्मेटिंग अभी मान लीजिए अमाउंट ही आ रहा है ना, तो इसको करेंसी फॉर्मेट में कर देते हैं, कहाँ जाएंगे जहां वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है जी, वैल्यू में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपका नंबर फॉर्मेट होता है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में एक ये चीज होती है कि आप सम करना चाहती हैं काउंट करना चाहती हैं, अभी सबका सम दिखा रहा है, या कई बार क्या होता है कि वैल्यू काउंट करके दिखाता है। ठीक है जी, तो यहां से इनको चेंज कर सकते हैं पहली चीज तो। दूसरा नंबर फॉर्मेट इसका सेट कर सकते हैं, यहां से नंबर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैंने कहा करेंसी में चाहिए मुझे। ठीक है जी, आगे मान लीजिए कोई और अपनी रुपए वाली करेंसी है या कुछ भी दिखाना है, उस हिसाब से यहाँ करेंट नंबर फॉर्मेटिंग की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि अपना रिपोर्ट फॉर्मेटिंग में ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मेन डाटा वाले काम कम होते हैं वैसे ज्यादा होते हैं फॉर्मेट। तो ये मुझे रुपए चाहिए हिंदी वाले, ओके किया तो यहाँ पे रुपए रुपए आ गए आपके। ठीक है जी, अब बात करते हैं एक क्वांटिटी, अब वापस मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से क्या करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो भी आपकी फील्ड्स आ रही है, नेम आ रहे हैं, यहाँ पलवल तो यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी, फरीदाबाद सेल्स क्वांटिटी। अब कई बार मुझे चाहिए होता है कि सारी सिटी एक साथ दिखाएं, इसके ऊपर सेल्स दिखाए, मतलब सेल्स और एक साइड क्वांटिटी पूरी एक साथ, ऐसा कभी दिखाना हो तो क्या होता है, जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं वैल्यू फील्ड में, तो एक वैल्यू के नाम से यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। ठीक है जी, अगर सिंगल होता है तब तक नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर जैसे ही इसके अंदर एक से ज्यादा फील्ड होती है तो ये आपके सामने बना हुआ आ जाता है। ठीक है जी, तो इसके जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसमें क्या है, इसकी भी तो लिस्टिंग होती है, एक तरीका होता है, तो सिटी इसमें ऊपर दिखा रहा है, यानी कि सिटी यहाँ पे आ रही है आपकी, सेल्स क्वांटिटी नीचे आ रही है। तो मान लीजिए आपको जैसा मैंने बताया कि सिटी एक ही, एक साथ सिटी की सेल्स दिखाए, एक साथ सिटी की क्वांटिटी दिखाए, वैल्यू को पकड़ के ऊपर कर दीजिए। अब क्या आ रहा है, सेल्स यहाँ पे आ रही है, पलवल फरीदाबाद नोएडा एक साथ अभी सेल्स में चल रहा है। ठीक है जी, फिर क्वांटिटी आ गया, फिर ये क्वांटिटी में चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, आप चाहते हैं नहीं ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ इसके आगे रो में दिखाना चाहिए कि सेल्स क्वांटिटी, इस वैल्यू को उठा के रो में ले आइए, यहाँ पे क्या हो गया, राजकिशोर सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। ठीक है जी, और साथ में अमाउंट भी चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है जी,
ओके इस तरह के फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं ना हमें कई बार। बिल्कुल हाँ, अब बीच में चाहिए कि क्या होता है अपने देसी फॉर्मेट्स में, कई बार क्या होता है बीच में एक लाइन का गैप होता है अमाउंट के बाद, है जी, हर एक वैल्यू के बाद लाइन का गैप बिल्कुल आता है ना। तो पाइवट टेबल सेटिंग्स, एक तो मर्ज सेंटर वाला सेफ साइड में बचने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। देन अपने को चाहिए एक लाइन का गैप चाहिए, तो यहाँ डिजाइन में आ जाइए, यहाँ पे ब्लैंक रो है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, आ गया। ओके ठीक है जी, ये रहा ब्लैंक रो वाला, रिमूव करना है रिमूव कर दी। तो आधी फॉर्मेटिंग तो ये आपको, डिस्प्ले के लिए हाँ काफी अच्छा है। आधी फॉर्मेटिंग आपको यहीं पे ही दे देता है, ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं होती इसमें। बाकी कुछ पहले से आपके डिजाइन होते हैं, इनमें मर्जी आए चूज कीजिए, नहीं आए मत कीजिए इसको, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो अच्छा दिखाने के लिए बढ़िया होते हैं। ठीक है जी, तो अपने हिसाब से इनको जैसा चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट एज इट इज बदलती जाएगी जैसे जैसे आप ड्राइंग करती जाएंगी। ठीक है जी, तो ठीक है। ये हमारे जो इसमें थे, ये अपने कुछ फीचर्स थे इसके, अपना पाइवट जी मेरे को टेबल। एक चीज और पूछनी थी पिवट टेबल हाँ में, हाँ जी, अगर आपका अंडरलाइन डेटा चेंज हो जाता है तो क्या होता है, तो दोबारा से लगानी होती है पिवट टेबल या ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा? देखिए ये पहले तो अपडेट के लिए पूछता है आपसे। ठीक है जी, सबसे पहले अगर आपके डेटा में कोई भी चेंजेस होती है तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके इसमें चेंजेस होते हैं। बट कई बार क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा डेटा है, अब इसमें मैं एक नया डेटा ऐड करता हूँ सबसे लास्ट में, नई सिटी ऐड कर देता हूँ, कौन सी करूं, बाहर की कर दूं, यहाँ की तो होंगी इसमें, और आपके नाम से कर देता हूँ, किसी भी डेट के अंडर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये डेटा चेंज हो गया है मेरा। ठीक है जी, अब इसमें नाम आपका यहाँ होना चाहिए, पहले मैं अब सिटी उड़ा देता हूँ यहाँ से, नेम इधर ले आता हूँ, वैल्यूज को इधर ले जाता हूँ ऊपर। हाँ, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो ये मेरे पास डेटा आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? चेंज डेटा सोर्स पे जब क्लिक करेंगे, जब आपका कोई भी चेंज होता है या आपको यही किसी और डेटा में लगानी है, तो चेंज डेटा सोर्स का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग मुझे रेंज दिखा रहा है, कब तक दिखा रहा है, K688, जब आपने सिलेक्ट करा था। हाँ मतलब 688 रो तक का दिखा रहा है डेटा। तो 688 रो पे जाएंगे तो वो क्या था, वो पुराना डेटा था अपना, पर हमारे पास अब 689 भी आ चुका है। ठीक है जी, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल टी दबाइए, या फिर फॉर्मेट एज टेबल कर दीजिए, होम टैब में होता है फॉर्मेट एज टेबल, या कंट्रोल टी दबा के। ठीक है जी, कंट्रोल टी दबा के आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। कंट्रोल टी दबाया मैंने, माई टेबल एज हेडर्स, ओके। ठीक है जी, जैसे ये करेंगे तो टेबल टूल्स खुल जाते हैं, ऊपर से टेबल का नाम आ गया, टेबल 1। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, जहां से चेंज डेटा सोर्स करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, टेबल और रेंज, तो इसमें मैं दे देता हूँ टेबल 1। ठीक है जी, ओके, तो आपका नाम आ गया। अब इसमें एक चीज खास बात क्या होती है कि अगर मैं कोई अगर डाटा ऐड करता हूं, और इसमें किसका, अरुण मानव, अब यहां पे मैंने डाटा कर दिया चेंज, तो यहां पे जाके मुझे सिर्फ इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो डाटा आपको यहां दिखा देगा। क्यों? क्योंकि टेबल की जो बहुत अच्छा रेंज, आपने हाँ सुना।
हाँ टेबल की जो रेंज होती है ना, यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ पे एक ऐसा निशान बन जाएगा आपका, इस रेंज को बड़ा घटा सकती है, ठीक है। जितना टेबल ने जितना पकड़ा होता है वो उतने का लेता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसी के नीचे ऐड करती हैं तो टेबल अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये डेटा कम हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको फुल कर दूं तो ये, अब रिफ्रेश करूंगा क्योंकि मैंने नाम दिया है खाली। अब टेबल को ही पता है ना कि टेबल में डाटा कितना है, टेबल के अपने फीचर हैं, अपने आप को वो डील करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका टेबल काम आ जाता है, ठीक है जी। ठीक और टेबल का एक फायदा होता है, है। जब भी आप इसको डाउन करती हैं ना, जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो सारे ऑप्शन आपको कॉलम की जगह दिखाता है। यहाँ पे ABCD लिखा होता है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होती जब भी डाउन करेंगे, तो डेटा पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ये बेटर है। है, फ्री स्पेस नहीं तो यूज करते हैं लोग, उससे ये ज्यादा अच्छा है। हाँ उससे काफी बेटर है क्योंकि एक्सेल के खुद के फॉर्मेट हैं, चीजें सारी हैं, पर आपको समझनी पड़ेंगी कि एक्सेल में किस तरह से है वो, ठीक है जी। मतलब जो आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर पड़ा है, बशर्ते यूज करना आता हो। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमने जैसे ब्लैंक लाइन फिल करी थी ना डेटा के लिए कॉपी पेस्ट करके, तो अगर आप 2010 वगैरह या 2013 ऑप्शन यूज करती हैं तो रिपोर्ट लेआउट में एक चौथा टैब आ चुका है जिसमें रिपीट डेटा लेबल्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो वो रिपीट भी कर देगा, मर्ज सेंटर की जरूरत नहीं, वो डेटा ही रिपीट कर देगा वहीं के वहीं। हाँ जी, तो इस तरह से हम अपना पाइवट टेबल से खेल सकते हैं अपना। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैंने बताया इसमें, सब टोटल का, ग्रैंड टोटल का, रिपोर्ट लेआउट। कई बार क्या होता है, क्लासिक पाइवट टेबल में तो कन्वर्ट कर दिया, वापस नहीं जा रहा है, तो रिपोर्ट लेआउट से शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देंगी तो वो पुराने उसमें आ जाएगा। जैसे ये शो सिटी इन है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। हाँ, कई बार क्या होता है ना, ये पाइवट टेबल से जब मैंने क्लासिक कर दिया, मोस्टली इसमें होता है, यहाँ से अभी भी क्लासिक खैर हुआ पड़ा है। पाइवट टेबल हाँ, देखना, इसमें मैंने अभी चेक करा आपने, उसमें तो है ऑप्शन रिपीट ऑल डेटा लेबल्स। हाँ है, तो 2010 होगा आपके पास, 2010 हाँ, में, मेरे पास 2010 हाँ 10 या 13 होगा, 10 में थोड़े से आगे पीछे हैं ऑप्शन, पर ऑप्शन सारे हैं, किसी और नाम से हो सकते हैं पर हैं सारे आपके पास। बस ये दो ही वो हैं जिनमें आपको ध्यान देना है, वो सारे ऑप्शन उसके अंदर है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा वाला जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला ऑप्शन आपका चौथा टैब है एक्स्ट्रा उसमें, ठीक है जी। और कोई अच्छा ऑप्शन आया पिवट टेबल में जो नए वाले में इसमें नहीं है? 13 में है, 13 में है आपका पावर पाइवट, तो पावर पाइवट की स्पेशल आपको देनी पड़ेगी। पावर पाइवट वैसे समझ नहीं आएगा आपके क्योंकि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है टोटल, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं उसको। पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं हम, ये नॉर्मल पाइवट अपना। हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने दिखाया कि आपको क्लासिक पाइवट टेबल, ये मेरा क्लासिक का लेआउट था, तो इसको अगर मैं पाइवट टेबल से इसको हटा देता हूँ, देखता हूँ कॉम्पैक्ट में आ रहा, नहीं आया, तो कॉम्पैक्ट में लाने के लिए यहाँ से रिपोर्ट लेआउट से शो कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है जी, कॉम्पैक्ट में वापस आ जाएगा आपका। अब बात आती है कि अब मैंने ये सारा जितना भी पाइवट लगाया, इसको मैं लगाता हूँ, डेटा मेरे पास बहुत बड़ी शीट है या कहीं सर्वर पे पड़ी है, इसको ओपन करते ही हैंग करने लगती है। अब वहां से मुझे लगानी है पाइवट टेबल, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ठीक है जी, बिना उस फाइल को खोले मैं किस तरह से पाइवट टेबल लगाऊंगा, ठीक है जी। तो उसके लिए ऑप्शन है, आप डेटा में चले जाइए, मैंने एक शीट ऑलरेडी सेव कर रखी है पाइवट के नाम से, इसी तरह से ही पाइवट डेटा के नाम से, तो इसमें ये डेटा के अंदर जो ऑप्शन है, या फिर मैं अपना पाइवट टेबल का यही ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स नॉर्मल। उसमें क्या करता था हमारा, पहले ये टेबल रेंज लेता था, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यहाँ पे मैं ब्राउज फॉर मोर में जाऊंगा और यहां से उसमें चला जाऊंगा डेटा
जहाँ मैंने वो फाइल रखी है, पाई वट डेटा के नाम से, पाई वट डेटा ओपन। कौन सी फाइल में है? यहाँ से शीट वन में, ठीक है जी। ओके ओके, यहाँ पे उस फाइल की सारी आपकी आ गई, ठीक है जी। उसकी सारी आपकी ओके फील्ड्स आपकी आ चुकी है यहाँ पे। तो आप बाहर से भी पाइवट टेबल लगा सकते हैं किसी और फाइल, उस फाइल को बगैर खोले, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, आपका डेटा एक्सेस में है, अब एक्सेस से लेके आना है, तो मैं उसी डेटा को एक्सेस खोल लेता हूँ अपने पास। दूसरी एप्लीकेशन से डेटा लाना, किसी भी ब्लैंक डेटाबेस कोई भी मैंने लिया। पहले तो मैं इसमें कोई इंपोर्ट कर देता हूँ, देन यहाँ से, यहाँ पे एक्सेल में मैंने क्या किया, पाइवट डेटा। ओके, ये पहले से ही यूज में है क्योंकि इस पे मैंने लगा रखा है। इसमें मैं क्या करूं, इसको डिलीट कर दूं, देन लेगा क्या? हाँ अब ले गया। ओके, इसमें मैंने शीट वन ले ली, नेक्स्ट। ये मैं अपना फर्स्ट रो एज ए कॉलम हेडिंग, ये मैंने क्या किया, अपना एक्सेस के अंदर एक डेटा ले लिया, ठीक है जी, शीट वन के नाम से आ गया। बाकी इसको, दूसरी टेबल को मैं डिलीट कर देता हूं। क्लोज, ठीक है जी, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको सेव एज एक्सेस डेटाबेस। सेव, यस। और तेरी क्या हो गया, रिस्टार्ट मांग रहा है। दोबारा से खोलता हूँ ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ से कुछ डेटा ले लेता हूँ, वैसे ही कॉपी टेबल, अच्छा ये इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी मुझे। एक्सटर्नल एक्सेस, अच्छा डेटाबेस में क्या है, एक्सेल, ब्राउज, डेस्कटॉप, प्राइवेट डेटा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज। यहाँ क्लोज क्लोज क्लोज, डिलीट, सेव कर दूँ इसको पहले मैं, यहाँ सेव डेटाबेस, डेटाबेस फॉर डॉक्यूमेंट्स में अपने आप ही सेव हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डेटा में जाके फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस फॉर ओपन, यहाँ पे दोनों टेबल जो थे मेरे वो यहाँ आ गए, शीट वन। यहाँ पे टेबल चाहिए, पाइवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, तो पाइवट टेबल रिपोर्ट चाहिए मुझे। टेबल करूंगा तो सारा डेटा वहां से खींच लेगा, और पाइवट टेबल रिपोर्ट करूंगा तो फिर से वही फील्ड। उसी का पावर टेबल।
ठीक है जी, तो वही अपने सारा आ गया, ठीक है जी। तो बाहर से भी हम डेटा अपना इम्पोर्ट कर सकते हैं किसी भी जगह से। बाकी डेटा के अंदर आपके इतने ऑप्शन हैं इसमें कि आप यूज, जैसे आप कहें तो फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका एसक्यूएल सर्वर वगैरह है, जैसे आपका कोई ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर है ना, वो तो कंपनी उस पर काम कराना चाहती है, तो सर्वर कि आप स्ट्रिंग लेके, मतलब लॉगिन सर्वर नेम, लॉगिन नेम और पासवर्ड करके सर्वर डेटाबेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, हालांकि मेरे पास, एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, अगर जैसे कई बार काउंट ऑफ काउंट लेना होता है या सम ऑफ काउंट लेना होता है, हाँ तो उसके लिए जनरली ऐसे करते हैं कि पाइवट टेबल बनाते हैं, फिर जैसे मैं करती थी, फिर हाँ कॉपी पेस्ट करके फिर दोबारा से पाइवट बनाया। पाइवट में कोई ऑप्शन है कि पाइवट पर पाइवट बन सकता है? नहीं, फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसमें आपका जो 2013 में आया है तो उसमें हो सकता है ऐसा। मतलब उसमें आपको पाइवट से पाइवट इसलिए चाहिए क्योंकि आप जनरेटेड डेटा से पाइवट चाहती हैं, ठीक है जी। हाँ, और उसमें क्या होता है, हम अपना ऐसा वो डेटाबेस सिस्टम पे ही चलता है, उसको मैं थोड़ा सा अलग इसमें दिखाता हूँ आपको। 2010 का, 2013 की फाइल पहले देखूँ कहाँ पर, उसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग पड़ जाता है अपना। पाइवट 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 पावर पाइवट, इसको ओपन कर लेता हूँ अपने पास 2013 में। बेसिकली एक्सेस आपने चलाया है थोड़ा बहुत कभी? हाँ, नहीं, एक्सेस नहीं उसके में। तो एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस या किसी भी और एसक्यूएल सर्वर वगैरह में सब आईडी बेस का खेल होता है अपना। इसमें क्या होते हैं, आपके कुछ मास्टर्स होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शनल डेटा होता है। जैसे कि क्या, एक सैंपल के तौर पे बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल है, कस्टमर मास्टर है एक तरह के, जिसमें क्या है, मेरे पास सीआईडी यानी कस्टमर आईडी है, उसका नाम है और उसकी सिटी है, ठीक है जी। ये मेरे पास उसका डेटाबेस है कस्टमर का अपना है, इसमें फोन नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे कस्टमर की ही खाली डिटेल है। दूसरा मेरे पास है प्रोडक्ट मास्टर, जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल है, जिसके अंदर मेरे पास पेपर रजिस्टर और दुनिया भर की चीजें हैं। तो एक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, इसके अंदर प्रोडक्ट की और भी डिटेल हो सकती है, ठीक है जी। देन मेरे पास आता है ट्रांजेक्शनल डेटा। ट्रांजेक्शनल डेटा क्या है कि मैंने सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें मेरे पास है कि मेरे पास सेल्स आईडी, जो भी सेल्स हुई है वो जनरेट हो रही है, एक सेल्स हुई इतनी तारीख को ये प्रोडक्ट आईडी बेचा गया इस कस्टमर आईडी को इतनी क्वांटिटी में, ठीक है जी। वहां प्रोडक्ट का रेट है। अब मुझे डेटा क्या निकालना है कि किस सिटी में किस सिटी में क्या प्रोडक्ट बेचा गया, ये कैसे निकाल सकता हूं सिटी कस्टमर आईडी के साथ होगा, हाँ, तो इसके लिए मैं पता क्या करूंगा, हाँ, तो वी लुकअप का कस्टमर आईडी से वी लुकअप वगैरह लगाऊंगा, ठीक है जी। देन इस पे पाइवट लगाऊंगा तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ, मंथ का भी मुझे इससे मिल जाएगा ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया है, बहुत छोटा सा, छोटे में समझाया है। यही चीज हमारा बहुत बड़ी बड़ी चीजों में यूज होती है, जैसे कि फेसबुक वगैरह में, ठीक है जी। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ईमेल हो गया, वहां पे ये जो छोटा सा पैटर्न है, ऐसे ही उनके पास बहुत सारे मास्टर होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शनल बिल्कुल डेटा होते हैं, वो सारा डेटाबेस इसी पे जुड़ा हुआ है। तो अब इस तरीके से, मतलब इनमें हमारे पास क्या लिमिटेशन है ट्रेडिशनल पाइवट में, कि हम एक ही टेबल से लगा सकते हैं, इसलिए हमें इसमें वी लुकअप लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे मैं 3, 4, 5, 10, 15 कितनी भी टेबल एक साथ पाइवट टेबल में ला सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पाइवट टेबल यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा। अभी एक्टिव नहीं, मैं एक्टिव कर लेता हूँ इसको। ऑप्शंस में जाके
प्रोफेशनल वर्जन में होता है खाली 2013 के। अगर 2010 आप यूज कर रही है तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आपको एड इन पावर पाइवट एड इन फॉर 2010 करके मिल जाएगा, सेम फीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी आपके लिए। ठीक है जी, तो एड इन में होता है मेरे पास 2013 में, यहां से आते हैं कॉम एड इन, गो कॉम एड इन में मेरे पास आ जाता है पावर पाइवट, और 2013 में खाली प्रो वर्जन में ये चीज है और आपको होम वर्जन वगैरह में नहीं मिलेगा ये। तो मेरा पावर पाइवट का टैब आ चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पावर पाइवट के अंदर सबसे पहली चीज है ऐड, ये मैनेज करके मैच करेंगी तो पावर पाइवट की एक अलग विंडो खुलती है। ठीक है जी, इसको खोलता हूँ मैं, कर दिया खुल रहा है। ये मान लीजिए आपका मिनी एसक्यूएल सर्वर है ये जो एक्सेल ने ये जो डेटाबेस यूज किया है, मिनी एसक्यूएल सर्वर है आपका। तो पावर पाइवट की विंडो अलग खुलती है आपके, इसमें ऑलरेडी बनी हुई है ये शीटें, कस्टमर ये सब बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने पहले बना के रखा था। और मैं दिखाता हूँ इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको यहां से मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहां से फिर से डिलीट। ठीक है जी, अब ये मेरी खाली हो गई। अब मुझे क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है। इसमें मैं क्या करूंगा, पावर पाइवट में यहाँ सबसे पहले ये चीजें टेबल में कन्वर्ट होनी चाहिए, तभी ये आपकी वर्क करेंगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड टू डेटा मॉडल, तो एक टेबल आपकी ऐड हो गई कस्टमर के नाम से। देन आपको क्या करना है, दूसरी टेबल पे जाके सिलेक्ट करके इसको ऐड टू डेटा मॉडल, तो यहाँ पे दूसरी टेबल भी आ गई। इसी तरह से तीसरी भी मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है जी, तो तीन टेबल मेरी अब आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको आपस में लिंक्ड करना है। अब ये तीन टेबल तो आई पर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, तो इसको क्या करेंगे हम, डायग्राम व्यू है हमारे पास एक, यहाँ पे व्यू में डायग्राम व्यू, डायग्राम व्यू खोल लेंगे। कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है, और अगर नहीं करता तो हम यहाँ से करेंगे। ये आपके पास तीन टेबल इस तरह से बनी हुई आ गई। ठीक है, अब कौन सी टेबल किससे रिलेटेड है, तो मैं इसको बताता हूँ कि ये जो पी आई डी है वो मतलब जहां ट्रांजेक्शनल डेटा है उससे उठा के कि पी आई डी इससे रिलेटेड है, यहां ड्रॉप करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है जी, एक कनेक्शन बन गया मेरा, ये आपका एरो का निशान आ जाएगा। देन मेरी जो पी आई डी है वो इससे रिलेटेड है, तो ये बना हुआ आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसको हटा देता हूँ डायग्राम व्यू की, अब मुझे जरूरत नहीं। और यहाँ से चले जाते हैं पाइवट टेबल पे, डायरेक्ट यहाँ पे जो लिंक है इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका पाइवट टेबल आपसे पूछेगा कहाँ लगाना है, न्यू वर्कशीट, ओके। तो अब आपके सामने यहाँ पे ये तीनों टेबल आ चुकी हैं। ठीक है जी, अब मैंने जैसा कि बताया था कि मुझे क्या चाहिए, सिटी चाहिए, सिटी वाइज कितनी सेल्स हुई है। ठीक है जी, किस प्रोडक्ट की, हाँ किस प्रोडक्ट की कितनी, हाँ मतलब सेल्स ही मान लीजिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट कहाँ से लूंगा मैं, यहाँ से अपने प्रोडक्ट वाले टेबल से प्रोडक्ट ले लिया। सिटी को मैं कॉलम में रख देता हूँ, प्रोडक्ट इधर रख देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। देन आपकी सेल्स, ये आपकी से इसमें से आएगी,
क्वांटिटी में से क्वांटिटी अब लुकअप लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो किस क्वांटिटी की कितनी सेल्स हुई है मुझे यहाँ पे आ गया अपना यहाँ प्राइस क्वांटिटी प्राइस मुझे क्या डालना है अमाउंट यहाँ पे रिलेशनशिप मांग रहा है मेरे से अगर कभी मांगे तो आपको क्या कर देना है कि सेल्स आईडी यहाँ से चूज की तो कॉलम फॉरेन मतलब फॉरेन किस में यूज हुआ है फॉरेन हमारा है ये वाला सेल्स वाला क्योंकि कहीं और उसका ठिकाना है वो दूसरे में आके फंसा हुआ है तो वो फॉरेन हो जाता है उसके लिए तो टेबल सेल्स में जो कॉलम फॉरेन है वो है अपना सीआईडी और जो कि कस्टमर टेबल के प्राइमरी सीआईडी से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्ट अच्छा छोड़िए ले रखा है पहले से ठीक है जी तो इस तरह से आप अपना मतलब पाइवट टेबल वगैरह से काम कर सकती हैं। अब इसमें एक और चीज जरूरत पड़ी मुझे जैसे मान लीजिए अब वी लुकअप की जैसे आपने बात करी ठीक है जी अब जरा उसको देख लेते हैं आपने इसमें वी लुकअप की जगह बहुत बढ़िया आपका दे रखा है डेटा व्यू पे आ जाता हूँ सेल्स टेबल है यहाँ ऐड कॉलम है यहाँ बस मैंने क्या करना है एक वो मारूंगा रिलेटेड रिलेटेड और यहाँ क्या डालना है मुझे कॉलम नेम कॉलम नेम जो हो गया मेरा प्रोडक्ट में से प्राइस चाहिए ठीक है जी ये है वी लुकअप इसका एक फॉर्मूला लगाया आपको सारा मिल जाएगा यहाँ यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम है ये ठीक है जी यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं या फिर जरूरत नहीं है यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ मैं इसका प्राइस मेरे ख्याल से पहले ही करना था अच्छा यहाँ पे भी हो जाता पी प्राइस कर देता हूँ ठीक है जी पी प्राइस के नाम से कर दिया देन मैंने एक फॉर्मूला और निकालना है अमाउंट अमाउंट इसमें क्या है कि आपको वी लुकअप करके बार बार इसमें झंझट नहीं करना पड़ता इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा यहाँ से ये लिया अपना क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस अमाउंट आ गया आ जाएगा आपका पूरा ठीक जी और अपना जो पाइवट टेबल है रिफ्रेश तो अपनी सेल्स टेबल में देखेंगे ये सब आ चुका है प्राइस अमाउंट ठीक है जी खाली अमाउंट चाहिए अमाउंट यहाँ से सब कनेक्टेड रहता है ठीक है जी प्राइस नहीं चाहिए सिर्फ अमाउंट ठीक है जी तो ये आपका पावर पाइवट का इतना ही जुगाड़ है कि मतलब आपको दो तीन टेबल से एक टेबल बनाने को दे दे डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे है टोटली ये ठीक है जी तो ये था आपका सारा कुछ पाइवट टेबल अगर आपको कुछ और पूछना है तो वो पूछ सकते हैं हेलो इसके ऊपर कोई एक्सरसाइजेस हैं पाइवट टेबल पे जो आपके पास हो? हेलो, पाइवट सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी पाइवट टेबल की एक्चुअली मेरा जो अभी सिस्टम है रिसेंटली फॉर्मेट हुआ है अभी नहीं है मेरे पास ये अगर मिलती है तो मैं मेल कर दूंगा नहीं सुजीत सर से आप ले लीजिएगा ठीक है जी उनके पास है ठीक है जी किस तरीके की एक्सरसाइज है वो? वो कुछ नहीं है आपको नेट पे भी मिल जाएंगी बाकी के जैसे इसमें आपकी वैल्यूज को थोड़ा सा और भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसमें से हटा देता हूँ मैं
और क्वांटिटी को ही ले लेता हूँ और सिटी को इधर डाल देता हूँ। अब ये इसमें क्या क्या ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग, ये सम क्वांटिटी वाला देख रहे हैं, इसमें वैल्यू फील्ड सेटिंग है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में एक ऑप्शन होता है शो वैल्यू एज, एक तो समराइज बाय होता है, एक शो वैल्यू एज होता है। तो अगर आपको देखना है कि मतलब पहला ऑप्शन है इसमें डिफरेंस फॉर्म, नॉर्मल है, नॉर्मल में दिखाएगा डिफरेंस फॉर्म। डिफरेंस फॉर्म में यह होता है कि किसी का, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे सबसे ज्यादा किसका, महेश का है? हाँ चलिए महेश को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो महेश से सबका कितना कितना डिफरेंस है डेटा, तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है कि भाई साहब महेश हो गया 0, महेश से इतना कम ये चल रहा है, इतना प्लस में ये चल रहा है, ये एक अलग तरह का वो है आपका, कौन कितना प्लस माइनस चल रहा है महेश से। ठीक ठीक है जी। दूसरा है परसेंटेज ऑफ, फिर महेश को ले लेते हैं, या फिर हम ले सकते हैं डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ, हम टोटल का परसेंटेज नहीं ले सकते। ले सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें से रो परसेंटेज और वो आता है। तो जो भी मैंने परसेंटेज किया कि कौन किसके कितना पर, जहां पे ये एरर आ रही है इसका मतलब वहां 0 था, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो कौन कितना परसेंट है किसका, जैसे महेश 100% था तो बाकी को महेश के कितने परसेंट है। ठीक है जी, महेश के ऊपर सारी कैलकुलेशन हुई है। देन परसेंटेज डिफरेंस फॉर्म, कितने परसेंट का डिफरेंस है, 97%, यहाँ तो 100% में ही था तो -97% पीछे चल रहा है। देन आता है रनिंग टोटल, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल बाय नेम, तो रनिंग टोटल ऊपर से टोटल होता हुआ आया, नीचे ग्रैंड टोटल इतना पहुंच गया, यहां से ऊपर से टोटल टोटल होता हुआ आ रहा है, ये रनिंग टोटल है। क्यूमुलेटर जैसा बोलते हाँ हैं। देन आपका आता है परसेंटेज ऑफ रो, ये है जो आप पूछ रहे थे, परसेंटेज ऑफ रो, कि जैसे राजकिशोर ने 100% किया तो किस सिटी का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, ये तो हो गई सिटी वाइज कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है रोक। इसी तरह से हमारे पास होता है कॉलम का भी, परसेंटेज ऑफ कॉलम, तो कॉलम में कितना है, मतलब पलवल में अगर 100% सेल है तो हर एक एम्प्लॉय की कितनी कितनी परसेंट है। ठीक है जी, ये आ गया। अब राजकिशोर की देखिए 0% आ रही है, क्योंकि इसे पता है इसकी तो फालतू ले रखी है, या मे भी नहीं क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, छोड़िए। अब बाकी परसेंटेज ऑफ टोटल, तो टोटल से कितना परसेंट आ रहा है, ये रहा आपका टोटल, कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो मतलब इस तरह की हर तरह की रिपोर्ट आपकी यहाँ पे आ जाती है, ये ऑप्शन होते हैं बस। ठीक है जी, बाकी अगर आप चाहें तो इनका नेम जो है कस्टम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ क्वांटिटी है तो इसको क्वांटिटी लिख दीजिए आप, वही फील्ड जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है ना ऑलरेडी, तो यहाँ क्वांटिटी नहीं डाल सकते, तो इसकी जगह क्वांटिटी करके मैं ज्यादातर अंडरस्कोर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे फिर मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है जी, तो जैसे सम ऑफ टोटल बार बार आता है ना, तो वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके फुल ऑप्शन हो गए अपने आप यहाँ पे ठीक है। वो मैं। ऑप्शन ग्रुप का
हाँ एक सेकेंड, यहाँ ये सिलेक्ट किया ग्रुप। अच्छा हाँ, ग्रुप में अगर मैं छेड़ूंगा तो वो सब में हो जाएगा, ये मुझे वार्निंग दे रहा है, इसीलिए ग्रुप को अगर मैंने छेड़ा तो सब में ही हो जाएगा, और अकेला बंदा भी मेरे ख्याल से ग्रुप हो नहीं सकता। तो ग्रुप पाइवट टेबल रिपोर्ट फील्ड कैन नॉट बी ग्रुप, यू कैन नॉट ऐड कैलकुलेटर आइटम टू अ ग्रुप फील्ड। अब इसमें जो ये राजकिशोर है ना, ये मुझे पंगा कर रहा है, कैलकुलेटेड आइटम मुझे हटाने पड़ेंगे। ओके इसमें से नेम हटा देता हूँ, देन देखता हूँ क्या ले रहा है। हाँ ले रहा है, अब ले रहा है, मंथिया ले गया जी। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हुआ क्यों नहीं था? सॉरी, वो एरर क्यों आया था राजकिशोर वाला? राजकिशोर का इसलिए है कि वो मतलब इसमें नहीं लेता, आपकी ग्रुपिंग जब आप कर देते हैं तो कैलकुलेटेड आइटम्स नहीं लेता है वो, क्योंकि तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि इन्हीं की ग्रुपिंग होती है, और जो आपके पास ऑलरेडी है फिर ये दोनों ऑप्शन आपस में क्लैश हो जाते हैं, इस कारण नहीं ले रहा था वो। ठीक है जी, ओके ठीक है जी। तो दो तीन पाइवट आप इस तरह से लगा के अपना यूज कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट नॉर्मली हो जाता है। बाकी एक चीज दिखाता हूँ, अगर मेरे पास पड़ी तो इसमें जैसा कि मैं दिखा रहा था, यहाँ आपकी देखने वाली चीज होगी, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया, आप देख के इसको आपको एक्सेल पे मिल जाएगी, जैसे जो मैंने डाली थी स्ट्रिंग, ये पाइवट टेबल बेस्ट ये आप करके। भेज हाँ सकते हैं मुझे, ये वाली एक्सेल शीट ईमेल कर सकते हैं प्लीज। मैं कर दूंगा, ये वाली एक्सेल शीट आपको ईमेल कर दूंगा, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको देख के। इसके अंदर सब कुछ है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जो मैंने ना बताया हो, सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये देखने वाली चीज है ये। इसमें जैसे यहाँ देखेंगे तो एक एक में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक जी, ये भी है। बाकी एक चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं दिख रही मुझे, ये तो नॉर्मल, ये एक अलग तरह की पाइवट, ये भी पाइवट ही है, इसमें ग्रुपिंग हो रखी है आपकी। ठीक है जी, ये ग्रुपिंग हो रखी है, ये टेबल्स अलग अलग जो बने पड़े हैं, समरी टास्क, ये कुछ नहीं करना, डेटा ये है, इस डेटा के ऊपर बनी है। फिर भी आप ये देख लीजिए, इसमें भी काफी कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, ये मोस्टली ग्रुपिंग के ऊपर किया हुआ है, इससे ज्यादा पाइवट होता नहीं है। ठीक है जी, एक और नहीं मिल रही मुझे जो इससे भी बेस्ट है, एक और है वो सुजीत सर से आप देख लेना करके, वो एग्जाम्पल क्या भेज है दो, उसका नाम मेरे को बता दीजिए तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। नाम याद होता तो मैं खुद ही कर देता। वो उनसे कह देना बड़ी वाली पाइवट जो है, सबसे बड़ी वाली आपके पास, वो दे दो। मेरे ख्याल से यही थी, या फिर मैंने जब सीखी थी तब मुझे बड़ी लग रही हो वो, तो पता नहीं यही थी, मैं तो भूल गया, अब ध्यान में नहीं है मेरे।